आपको ऐसे नहीं बोला यार पीएचडी पे सर्च करो और ये सर्च करके भी होगा ऐसा नहीं। आप क्या करोगे, खुद से इंटरेस्ट हो गूगल पे सर्च कर रहे हो, ठीक है। आपने डाला डिजिटल मार्केटिंग क्या है, आपको सर्च करने का फर्स्ट पेज पे जो भी मिलेगा आप क्या करोगे उस पे क्लिक करोगे। यहाँ पर आप क्या करोगे खुद का इंटरेस्ट दिखा रहे हो, तो इस टाइप का जो भी इंटरेस्टेड होता है वो सारा हमारे काउंट होता है इनबाउंड मार्केटिंग। तो बेसिकली इन डिजिटल मार्केटिंग वी आर डूइंग द इनबाउंड मार्केटिंग। सो इनबाउंड मार्केटिंग वी फोकस ऑन द थिंग्स how we can attract our customer, how can we attract our client. So as I told you previous, the base of digital marketing is a content marketing. So you have to focus on your content. If your content is attractive, then you can easily do this marketing. So my dear friends, we already have heard of this digital marketing system. Will you tell me any search engine name? Have you heard about that? Google. Next one? Yeah. So same, as I told you the example, you are searching about that digital marketing on Google. So that is your medium. And second thing is, if I want to promote my company's over details, so I will use my website. For example, starting you have seen www.bdigitalmarketing.com. That is one example of website. And second thing, how many people have a Facebook account? Sabke paas hoga. Okay. Facebook mein kabhi aapne page banaya, Facebook page banaya aapka? क्योंकि आजकल देखना जितने भी न्यूज चैनल्स हैं उनके हर किसी का फेसबुक पेज हुआ, मतलब उन्होंने खुद का एक ब्रांड बना के रखा हुआ है। तो वो लोग क्या करते हैं फेसबुक पेज पे लोगों को इंगेज करते हैं। रीजन क्या है कि वो मार्केटिंग करना चाहते हैं सोशल मीडिया पे। आजकल आपने देखा होगा एम एडिकेटर हम यूज करते हैं, एम एडिकेटर में एक नीचे पॉपअप आ देते हैं मैसेजेस पर, तो वो भी मीडिया में हमारा एडवर्टाइजमेंट करने का। लेकिन वहां पर जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो कैसे होता है, ब्रांड के थ्रू, ठीक है। फाइनली आपको देखो कभी कभी मेल आते हैं, लोग किस तरह से मेल करते हैं, आपको देखो लोग मेल किस तरह से करते हैं। सपोज यू वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सो हियर इज द सॉल्यूशन, ओके। तो वहां पर लोग क्या कर रहे हैं आपको फोर्स नहीं कर रहे, सिर्फ क्या करते हैं ये प्रॉब्लम है आपको इस तरह से सॉल्व करना है। सो उस तरह का कंसेप्ट वो ई मेल के थ्रू करते हैं। सो डिजिटल मार्केटिंग के अलग अलग मीडियम है, आप सोशल मीडिया के थ्रू कर लो, आप वेबसाइट के थ्रू कर लो, या सर्च इंजन के थ्रू कर लो। बट आप सर्च इंजन के थ्रू कर लो तो उसमें बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, तो आगे हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से टेक्निक्स हैं जिसका हम डिस्कस करेंगे। सो हियर आर डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स। द फर्स्ट वन इज द एसएमएम सोशल मीडिया मार्केटिंग। इफ यू आर डूइंग योर मार्केटिंग ऑन सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, ट्विटर एंड रिसेंटली द मोस्ट फेमस इज इंस्टाग्राम, ओके। एंड सेकंड थिंग इज सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग डिटेल से इफ यू आर डूइंग योर मार्केटिंग, आपने कभी देखो सर्च किया रहेगा कोई भी कीवर्ड ले लो, आप कोई भी चीज ले लो, सिंपल सा एग्जांपल, सपोज आप सर्च करना चाहते हो कि कंप्यूटर क्लासेस इन मुंबई, ओके। आप जब वो सर्च करते हो तो सर्च करते समय आपके पास में जो आपको रिजल्ट में दिखा देगा आप पहले उसको विजिट करोगे, तो उन लोगों ने क्या हुआ सर्च इंजन में भी मार्केटिंग करके रखी, तो वो हम यहाँ पर यूज करते हैं ऐसे में। सेकेंड थिंग इज दैट बट यहाँ पर सर्च इंजन मार्केटिंग में एक सेकेंड उसका पार्ट है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पर हम लोग जो एडवर्टाइजिंग करते हैं वो फ्री में करते हैं, सिर्फ यहाँ पर हमें करना क्या होता है जो गूगल होता है, गूगल के कुछ रूल्स होते हैं। आप अगर कोई भी चीज़ सर्च करोगे आप अपना नाम सर्च करोगे, आपने अगर कभी अपना नाम सर्च किया होगा तो आपका पिक्स आता है आपका फर्स्ट पेज पे, आपका टेक्स्ट कंटेंट कुछ आता है, लेकिन आपके नाम पे तो बहुत सारे लोग हैं ना, तो गूगल क्या करता है हर चीज़ में रूल्स के अंदर रखता है। अगर आपने ये रूल्स फॉलो किए हुए तो आप फर्स्ट पेज पे आओगे, अगर आपने ये रूल्स 70% के तो सेकंड पेज पे आओगे, तो वो जो सारे रूल्स होते हैं